एग्जाम्पल 23 डन, क्या कहता है, हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 10 लाख कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 1202424। क्या मतलब है, कितने नंबर्स 10 लाख से बड़े बनाए जा सकते हैं किसकी हेल्प से, इन डिजिट्स की हेल्प से, कैसे करें, कोई बता सकता है? नहीं है? देखो पहली बात, 1 2 3 4 5 6 7 सेवन डिजिट नंबर है और मेरे पास 7 ही डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6 7। 10 लाख से बड़ा क्या होगा, अगर आप नोटिस करो यहाँ पे कोई भी नंबर स्टार्टिंग में 1 आ जाए, बाकी सारे डिजिट लिख दो 10 लाख से बड़ा, 2 लिख दो, सब बड़ा हो सकता है, पर स्टार्टिंग पे क्या नहीं होना चाहिए, 0। स्टार्टिंग पे 0 आ गए तो 7 डिजिट नंबर ही नहीं है, क्लियर। तो फर्स्ट प्लेस के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन हुए, 6 1 2 3 4 5 6, भाई 0 अभी नहीं ले सकता, राइट, क्लियर है कंफ्यूजन। तो फर्स्ट प्लेस के लिए 6 ऑप्शन, बाकी अब रह गए 6 कि अब मैं 0 ले सकता हूं, क्लियर। नेक्स्ट के लिए 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर, सर एक सेकेंड, सर अब रिपीटिशन है तो रिपीटिशन में क्या होता है, जब रिपीटिशन हो तो क्या होता है, डिवाइड, कौन फैक्टर है, 2 2 2, तो डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, और 4 भी हो रहा है 2 फैक्टोरियल, क्लियर। यानी 6 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 अपॉन 3 × 2 × 1 2 × 1 3 2 1 2 2, आंसर आ जाएगा 360। बोलो क्लियर, कंफ्यूजन, ओके। अब आएगा असली खेल, सिटिंग अरेंजमेंट, ध्यान से समझो। टॉपिक का नाम है व्हेन नो टू थिंग्स आर टुगेदर, व्हेन नो टू आइटम्स या थिंग्स कुछ भी बोल लो, थिंग्स आर टुगेदर मतलब जब दो चीजों को एक साथ नहीं रखना। अब तो आपको याद है हमने वॉवल डॉटर वाले क्वेश्चंस करे थे, दिखाता हूँ यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पे बोलते थे ऑल, सबको एक साथ कर दो ऑल, याद। बट अब जो केस है, जो अब केस है उसमें क्या है, दो चीजें एक साथ नहीं होगी। एक बार क्वेश्चन रीड करो, पढ़िए, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 girls and 3 boys be seated in a row so that no 2 boys are together, मतलब क्या हो बेटे बच्चा, 5 girls and 3 boys, क्या करना है उनको, एक रो में लगाना है ताकि 2 boys कभी भी एक साथ ना हो सके। यहां तक क्लियर, ध्यान से समझना कैसे, मार्क कर लो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेटा मना किसको कर रहा है, कौन से दो चीजें एक साथ नहीं होनी चाहिए, बॉयज, तो सुन लो एक बात, हम पहले गर्ल्स को बैठाएंगे, जिसको बोल देना ये दो चीजें एक साथ नहीं होनी चाहिए, तो बैठाओ किसको, दूसरे वाले को। तो पहले मैं किसकी अरेंजमेंट करूंगा, गर्ल्स की, गर्ल्स की अरेंजमेंट करो, गर्ल 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 गर्ल, कर दी। अब बॉयज के लिए कितनी पोजिशन रह गई, 1 2 3 4 5 6, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब वो बोल दे दो बॉयज एक साथ ना हो तो पहले किसको अरेंज करो, गर्ल्स को, किसको मेरे बच्चा, तो गर्ल्स को अरेंज करो, जी 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 जी। अब बॉयज के लिए कितने रह गए जी, कितने रह गए, यहां तक क्लियर, ओके। तो गर्ल्स की अरेंजमेंट क्या बनेगी, 5 फैक्टोरियल, गर्ल की अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल। कोई ऐसा तो कंफ्यूज है, कोई तो है पक्का, चलो मैं एक पॉइंट बताना चाहता हूं आपको छोटा सा, किसी के दिमाग में है कि यहां परमुटेशन ही क्यों लगाया, अरेंजमेंट क्यों नहीं लगाया, सॉरी कॉम्बिनेशन क्यों नहीं लगाया, आया था दिमाग में क्वेश्चन, तो पूछा क्यों नहीं, फिर
आपके चेहरे पढ़ के क्वेश्चन मेरे को क्यों पूछना पड़ा? क्या ये कोई आंसर हुआ? जो भी करा रहा हूं ठीक करा रहा हूं, ये चीज पेपर में वैसे पूछ के देखो, टेस्ट में तो जो बताएंगे गलत ही बताएंगे। सुनो एक बात बताओ, कितनी गर्ल्स हमारे पास? फाइव। क्या गर्ल्स जुड़वाए? गर्ल वन आगे बैठे या गर्ल टू आगे बैठे, क्या एक बात है या अलग अलग है? भाई सिंपल सी बात है, पेपर में आपको आगे बैठा दूं, उसको कर दूं लास्ट में, एक बात होगी? टीचर ने बोले एक ही तो रूम में बैठे हो, चलेगा? आधा बच्चा हार्ट अटैक से मर जाएगा। पॉइंट क्लियर? चलो तो ये बात बैक बेंचेस पे स्पेशल लागू होती है। आज कितना आ जाएगा सर? 5 factorial। क्लियर? इनटू अब गर्ल्स के लिए कितने रह गई, सॉरी बॉयज के लिए कितने ऑप्शन है? 1 2 3 4 5 6। बॉयज के लिए ऑप्शन कितने हैं? 6। कितने बॉयज अरेंज करने हैं? 3। तो क्या हो जाएगा? 6P3। क्लियर? ये था पॉइंट। चलो एक मौका और दे, करोगे खुद? क्वेश्चन नंबर 9। सर आप नोट करने का टाइम नहीं दे रहे आजकल, मगर जान पूछ के नहीं दे रहा मैं। क्वेश्चन 9 राइट नाउ, 2 मिनट्स। डन क्वेश्चन 9। इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 4 women इन अ रो। क्या करना है बेटा? 5 men and 4 women को एक रो में बिठाना है, सो दैट द वुमेन ऑक्यूपाई द इवन प्लेस। ताकि वुमेन क्या करे? इवन प्लेसेस को ऑक्यूपाई करे। हाउ मेनी सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल? कितने अरेंजमेंट पॉसिबल? सो वी हैव 5 men and 4 women, 5 men and 4 women। तो क्या हो जाएगा बेटा? पहले मेंस को ना बेटा, क्या यहाँ पे इसने बोला है कि नो टू वुमेन्स आर टुगेदर? क्या उसने ये बोला है? नहीं। अगर ये बोला होता नो टू वुमेन्स आर टुगेदर तो मैं पहले मेंस को अरेंज कर देता। यहाँ पे सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसने पहले बोल दिया वुमेन की प्लेस कौन सी होनी चाहिए? इवन। तो इवन प्लेस कौन सी है? ये री वुमेन वुमेन वुमेन। फिर मेंस का मेन 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 मेन। तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चा? वुमेन की अरेंजमेंट क्या होगी? 1 2 3 4। क्या हो जाएगी? 4 factorial। और मेन के अरेंजमेंट 1 2 3 4 5 5 factorial। क्लियर? सॉल्व कर देना। यही करा? नाइस। अब आते हैं असली लास्ट 2 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। इफ डिफरेंट परमिटेशंस ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन, ध्यान से पढ़िएगा। If the different permutations of all the letter of the word examination are listed as in a dictionary, how many words are there in this list before the first word starting with E? कुछ बात समझ आई भी है? पहले बताओ, बोलो क्या कहते हैं? If different permutations of all the letter of the word examination, मतलब अगर मैं एग्जामिनेशन के वर्ड्स को, एग्जामिनेशन से जितने वर्ड्स हैं जितने बन सकते हैं उसको क्या कर दूं? आर लिस्टेड एज इन अ डिक्शनरी, उसको किस में लगा दूं? एक डिक्शनरी में। देखो भाई एग्जाम एग्जामिनेशन से कैसे वर्ड बन सकते हैं, मैं इसकी बात करता हूं। एक्स ए ई एम एन ए आई, ऐसे कई सारे वर्ड्स बन सकते हैं, यस और नो? ठीक है। तो कहते हैं जितने भी वर्ड्स हैं उनको मैं कैसे अरेंज कर दूं डिक्शनरी वाइज? तो पहले बताओ, जब डिक्शनरी वाइज अरेंज करते हैं तो सबसे पहले वर्ड कौन सा आएगा? ए से। फिर कौन से आ जाएंगे? फिर कौन से आएंगे? ई। फिर बोलो बोलो एफ का इसमें? ए सबसे पहले, ई, ए बी सी डी ई एफ, आई वाले आ जाएंगे, फिर जे के एम, फिर एन,
फिर ओ पी नहीं है क्यू आर एस टी क्या एम लिखा नहीं बोल दिया है ना एम एन ओ टी फिर एक्स पॉइंट क्लियर ये तो होगा डिक्शनरी वाइज ऐसे अरेंज होता है यहां तक क्लियर इस लाइन को पढ़ो हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई हाउ मेनी वर्ड्स कितने वर्ड्स हैं हुज फर्स्ट लेटर इज बिफोर ई मतलब इसका लैंग्वेज में मतलब है जिसका फर्स्ट लेटर ई से पहले वाला हो दोबारा समझाऊं बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई यानी ई से पहले आने वाले शब्द कौन से है वो शब्द कौन से का फर्स्ट ई ना हो के इससे पहले वाला हो तो मेरे को बताओ वो वर्ड्स कौन से है जिनका फर्स्ट लेटर ई नहीं है उससे पहले वाला है कौन से होंगे ए दोबारा समझाऊं दोबारा समझो कितने वर्ड्स हैं जिनका फर्स्ट लेटर ई से पहले वाला है तो क्या हुए वर्ड स्टार्टिंग विद ए ये बात किसकी कर रहा है सिंपल लैंग्वेज में वर्ड स्टार्टिंग विद ए वो वर्ड जो ए से शुरू है बेटा कितने लेटर्स हैं हमारे पास टोटल एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह ग्यारह लेटर्स है कितने की अरेंजमेंट करनी है मेरे को दस रिपीट भी हो रहा है कौन ए तो ले नहीं सकता एक ए तो फिक्स हो गया यहां पर देखो मैं इसको जरा लिख देता हूं ए अलग ई आई आई एम एन एन टी एक्स यही है ना एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस एक कौन सा कम रह गया एग्जामिनेशन क्या था कोई और भी होगा हमारे पास एक दो तीन हाँ और रह गया ये लो अब ठीक है तो एक ए तो फिक्स कर दिया अब अरेंजमेंट कितने की करनी है मेरे को टेन इसमें कोई रिपीट हो रहा है कौन एन हो रहा है कितना टू फैक्टोरियल और कौन हो रहा है आई टू फैक्टोरियल क्लियर ये पॉइंट था एग्जांपल 22 मार्केट इज इंपॉर्टेंट पढ़िए